हाँ हम लोग शूट पाए हैं, बहुत अच्छा शूटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा शूटिंग चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग का एक एल्बम आने वाला है। तो इन कौन जो कैमरा है तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाम सर, आपसे स्वागत है बेस शूटर में। तो आज का जो ब्लॉग है ना डिसलर के ऊपर है, डिसलर का सेशन कैसे किया जाता है, कौन सी स्टाइल में अच्छी फोटो आती है और कौन कौन से तरीके से डिसलर का फोटो निकाला जाता है। और हमारे पास जो है डिसलर का, मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिसलर है हमारे पास। अभी फिलहाल हम लोग आए हैं थावे मंदिर में, अभी फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा पार्क है थावे मंदिर में। फिलहाल कभी अंदर एंट्री नहीं किया था क्योंकि इसके अंदर बच्चों के लिए जो छोटे से छोटे छोटे जो झूले हैं ना ज़्यादा लगाए नहीं गए हैं। और इसका जो चार्ज होता है 20 रुपये लगता है थावे मेले के अंदर, अगर आप आइएगा तो 20 रुपये देकर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर शायद फ़ोटो अच्छी आएगी, इसलिए हम लोग अंदर एंट्री करें कि यहाँ पे फ़ोटो का सेशन, फ़ोटो सेशन करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और फिलहाल हमारे दोस्त साइड में खड़े हुए हैं, देख सकते हैं डिसलर का फ़ोटो ये सारा। आधे घंटे से हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं और काफ़ी सारा भी फोटो खींच चुके हैं जैसे कि आप देखे भी। और हमारे एहसान भाई पूरा हेवी फोटोग्राफिक है, हेवी वाला, ठीक है। एहसान भाई कुछ बोलना चाहते हैं, इतना अच्छा फोटो कैसे खींच लेते हैं? बस आज का दिन अच्छा है मेरे भाई, अच्छा दिन है, ये तो धूप निकला हुआ है। अरे लाइटिंग वगैरह सब चीजें दिन से नहीं होता। ओ अच्छा, तो इसमें भी फोटोग्राफर में भी कुछ दिन होता है? लाइटिंग ब्लैक है। ओ अच्छा, लाइट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है क्लिक करने के लिए। हाँ, वाह, तो ऐसा है शाम भाई पूरे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके हमारे फोटो निकाल रहे हैं और खुद का फोटो उतना उनका फोटो तो कुछ चाह नहीं रहा है, फिर भी नर्वस नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्योंकि आप कुछ बताना चाहते हैं इसके ऊपर कि आपका फोटो भी निकाला जा रहा है? आप झुक कर निकाल रहे हैं, खड़े होकर निकाल रहे हैं? नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 56 CD है। और इसका चार्जिंग कितने देर तक करते हैं? यही 3-4 घंटा तक। 3-4 घंटा तक, तो ऐसा है। तो अभी देख रहे हो इधर सामने कुछ फोटो शूट हो रहा है, कार्ड फुल है, कार्ड फुल हो गया, मेमोरी कार्ड फुल हो गया। और मेमोरी कार्ड था नहीं, कैमरा लेकर हम लोग आ गए थे लेकिन ना मेमोरी कार्ड था नहीं, तो मेमोरी कार्ड किसी और से माना, क्योंकि अभी इंटरनल मेमोरी तो इतना अच्छे मिल जाता है, 32 GB, 128 GB, 64 GB, सारा कैमरा जो है मोबाइल के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, तो उसके लिए मेमोरी कोई रखता नहीं है। तो मेमोरी था नहीं तो दूसरे किसी से मांग कर लेकर आया, वो भी 8 GB का मेमोरी था, तो भी फुल हो गया क्योंकि मूवी था अंदर, वो डिलीट करना पड़ेगा। राजू भाई कुछ बोलना चाहते हैं? शो कर ला, वीडियो भी शो कर ला, मतलब हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छा फोटो राजू भाई का आता है इनका। तो ऐसा ही हो रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाय इधर, हेलो, हाय नहीं बोलना है। तो ऐसा है, तो डिलीट कहते हो? फोन डालना पड़ेगा। ये हमारे सरफराज भाई, सरफराज हमारा मन लग रहा। हाँ हम लोग शूट पाए हैं, बहुत अच्छा शूटिंग, बहुत अच्छा शूटिंग चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग का एक एल्बम आने वाला है। तो इन कौन जो कैमरा है? बहुत अच्छा बोल दुनिया। निकॉन जो कैमरा कितने तक पड़ जाता है? निकॉन का 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास। तो ऐसा है, फोटो भी आप देखे भी और आगे और भी खिंचवाने वाले फोटो। और इंस्टाग्राम पे आप लोग का फ्लोर कितना है? यही लगभग 1500 के आसपास, 1500 के आसपास, काफी अच्छा। सब डिसलर का फोटो है? हाँ सब। तो डिसलर का फोटो डालने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं? हाँ बढ़ते ही हैं। तो अच्छा, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अच्छा है, डिसलर से फोटो खींचो और डालो, डिसलर नहीं है तो रेंट पे भी ले सकते हैं। हाँ रेंट पे मिलता है, रेंट पे भी मिलता है, तो आप ले सकते। हाँ तो अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया फ़ोटो, 300-400 फ़ोटो हो गए हैं। और जो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, वो चले गए यहाँ से, कुछ काम पड़ गया था, और एक ही जगह पे बार बार फ़ोटो निकलवाना थोड़ा बोरिंग लग रहा है। कपड़े थे, कपड़े हम लोग लेकर आए थे तो वो चेंज किए, और क्योंकि डिसलर का फ़ोटो जब लेकर जाते हैं ना, तो क्योंकि डिसलर हरदम नहीं रहता है ना, साथ पास में रहता तो अलग बात है, लेकिन डिसलर हरदम नहीं रहता, तो
कपड़े साथ में लेके जाते हैं चेंज करके, वही दूसरा नया नया फोटो आदमी खिंचवाता है कि एक फोटो एक ही कपड़े पे बार बार फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। तो अभी फिलहाल हम लोग पार्क के अंदर ही हैं, पार्क के अंदर ही हैं और मैं झूला झूल रहा हूँ। छोटे छोटे झूले हैं जो अच्छी है, यहाँ पे आकर टाइम पास कर सकते हैं और पैसे लगता है इसका पार्क का। और बगल में एक वो है तालाब, तालाब जैसा है छोटा सा है, वहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं ठीक है टाइम पास करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे निकलवाएंगे फ़ोटो। तो यही है, चलते हैं फिर। और फ़ोटो बहुत मस्त आ रही है फ़ोटो, क्योंकि इतने स्मार्ट है नहीं, लेकिन डिसलार आने के बाद से ना इस, मतलब डिसलार से फ़ोटो खिंचवाने के बाद से ना बंदे स्मार्ट हो जाते हैं, ख़राब बंदे भी। तो उतने स्मार्ट तो है नहीं, लेकिन फ़ोटो अच्छी आ रही है। तो यही है, अभी फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पे सारे वो दोस्त और जो भाई भाई जो हैं साथ में जो अगल बगल के, तो दोस्त ही हैं इधर ही पार्क में आए थे, तो जान पहचान के तुम लोग भी बोले ठीक है मेरा भी निकलवा दो, मतलब फ़ोटो शूट कर दो। तो फ़ोटो शूट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल कर ना वो सामने वाला पार्क में जाएंगे, इधर तालाब तालाब जैसा है छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा फ़ोटो सेशन होएगा, उसके बाद घर निकल जाएंगे। तो फिलहाल फुल फ़ोटो शूट हो गया है, तो फिलहाल फ़ोटो शूट हो गया, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ से जाएंगे, ये पार्क ही है, पार्क में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इधर पीछे साइड में ये पार्क छोटा सा। और यहाँ से टिकट ले सकते हैं बाहर से और अंदर आ सकते हैं। चलिए चलो चाचा कुछ बोलना चाहते हैं आप यूट्यूब पर वीडियो कर दीजिए, हाँ बोल दीजिए। ये चाचा जी से आप आकर टिकट ले सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। तो अभी हम लोग तक जा रहे हैं और ये टिकट अगर लेकर अंदर आएंगे तो अगर फिर वापस कुछ काम रहा बाहर जाएंगे तो फिर आ सकते हैं ना वापस कि नहीं आ सकते? दो चार मिनट में आना चाहिएगा तो आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं घर पर और ये एंट्री अपना बाहर निकले, बाइक हमारा इधर खड़ा है और फिर उसके बाद जाएंगे पार्क में। आप लोग उधर तालाब वाले में लेके चलते हैं साइड में, लेकिन आज नहीं जाएंगे, लेट हो गया और जो कैमरा है ना ज़्यादा हैंग कर रहा है, मेमोरी उतना खास नहीं 8 GB का ही है। तो इसलिए यहाँ पे इधर साइड से भी जा सकते हैं और उधर आगे से भी एंट्री कर सकते हैं। ये नया खुला है पार्क, नया बना है फिलहाल अभी, और इधर आप देख भी सकते हैं बहुत सारी पब्लिक आई हुई है साइड साइड में बैठी हुई है। तो ये पार्क का ना ये जो साइड का है ना तालाब वाली, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता, बस यही तो थावे मंदिर में नहीं, यही छोटा पार्क है, यहाँ पे पैसे लगता है। वहाँ पे जाएगा तो नहीं लगेगा, साइड से खुला रहता है लेकिन अभी ताला लॉक है। उधर आगे से आ सकते हैं, अब बैठ कर ना पूरा फुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये वही पार्क का पार्क और ये सारा जंगल इधर थावे मंदिर का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर और अभी बज रहा टाइम हो रहा है 3:00, 3:30 हो रहा है शायद, और जाते हैं। हाँ काशी वीडियो हुआ शाम में, हाँ थाया मंदिर माल दे तो हो जाए आगे, थाया मंदिर सर्च कर बनो थाया मंदिर था हमारे वीडियो आई वही पर में आ जाइए वीडियो पे। हाँ थाया मंदिर या फिर थावे लिख के भी सर्च करवा थावे वीडियो तो हमारे सब आएगा वीडियो और दूसरे कुछ नहीं आएगा ठीक है। तो यही पूछने कभी आएगा ठीक है। तो अभी आप भी अगर थाया लिख कर सर्च करिएगा ना तो मेरा ही वीडियो होगा, थाया में दूसरा कोई ब्लॉगर है नहीं जो वीडियो बनाता हो, और एक मैं ही हूँ थाया मंदिर का, थावे जितने भी दुकान वगैरह है बस मैं ही एक बनाता हूँ। तो गोपालगंज में बहुत सारे यूट्यूबर हैं लेकिन यही है कि इधर थावे में कोई नहीं है, मैं ही हूँ एक और एक मेरा दोस्त है साथ में घूमते हैं, लेकिन थावे का ज़्यादा वीडियो उसका है नहीं। और सपोर्ट करिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा यार, लाइक करने से क्या होता है मोटिवेट मिलता है कि ताकि वीडियो अच्छे और भी ज़्यादा बना कर डालो ठीक है। तो बस यही है और चलते हैं फिर, यही है ये बोल रहा हूँ ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी वीडियो थी, शायद आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, दोस्ती यारी में हंसी मजाक होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिए, ज़्यादा कुछ भी पूछना हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।